कैंडिडेट ने आठ नौ क्वेश्चंस पर क्या किया कि उसको जैसे डाउट होता है कैंडिडेट्स को कोई आंसर पर, तो एक डॉट लगा दिया वहां पर, बाद में उसने सही आंसर दिया है, लेकिन शुरू में अगर डाउट है तो वहां पर डॉट लगा दिया। ओएमआर पर डॉट ना लगाएं, क्योंकि वो उस कैंडिडेट के केस में हम लोग 8 से 9 क्वेश्चंस को हम लोगों ने हटा दिया, उसका करेक्ट आंसर था, लेकिन चूंकि उसने बगल में दूसरे गोला के अंदर में भी अगर डॉट लगा के रखा था, और हमने जैसा बताया कि हम मैनुअली चेकिंग करते हैं, बहुत अफसोस है मुझे कि उस कैंडिडेट का उसके कारण से नहीं हुआ। अगर कोई संशय है तो अपने बुकलेट में लगाएं, हमारे लिए दोनों कार्य बहुत महत्वपूर्ण है, बल्कि पर्दे के पीछे का कार्य ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और उसमें अगर कोई हमारे स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल को, गाइडलाइंस को अगर उल्लंघन करते हैं तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी। और आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि अभी एक सेंटर का नाम तो आपने ले लिया, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है, सेंटर का नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, वैसे सेंटर का नाम ले लिया इन्होंने, वहाँ के सेंटर सुपरिटेंडेंट के टीचर सेंटर सुपरिटेंडेंट को निलंबित कर दिया गया। वो हमारे एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल का एक माइनर उल्लंघन था, लेकिन होता क्या है कि अगर माइनर उल्लंघन ही कभी कभी बहुत मतलब आत्मघाती हो सकता है, उसी के कारण से पूरी परीक्षा प्रभावित हो सकती है।